हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को आज सुबह सुबह जब आंखें खुली तो मानो आंखों के सामने का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। नींद भी काफी गहरी आई थी क्योंकि सोने से पहले अश्वगंधा चूर्ण का सेवन हमने किया था, क्योंकि दुपहिया वाहन की सवारी दिखने में कितनी मनमोहक क्यों ना हो, शारीरिक थकावट सबसे ज्यादा उत्पन्न करती है। अब समय हो चला था इस खूबसूरत जगह को अलविदा करने का, और यह काम हम अक्सर सुबह सुबह जल्दी करते हैं क्योंकि इस समय रोड पर भीड़ भाड़ का माहौल नहीं होता, अतः यात्रा में कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता। अब सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा लेते हैं ताकि रास्ते में किसी तरह की समस्या हमें न हो। सफर हमेशा खाली पेट ही करते हैं ताकि वात का वेग काबू में रहे, अन्यथा अनेकों प्रकार के दर्द का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब सुबह का समय था तो जल्दी ही हमने ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों को पार कर लिया था, वरना यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है जिस कारण यहाँ से निकल पाना अत्यंत कठिन होता है। रास्ते में बस एक बार थोड़ी सी चाय पीने को हम रुके थे, वो भी इसलिए क्योंकि मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा था जिसका हम कुछ देर बैठकर आनंद लेना चाहते थे। अब इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम वापस आ पहुँचते हैं कैथल। यहाँ भी एक बड़ी समस्या हमारा इंतजार कर रही थी, तो सबसे पहले अपने लिए कुछ दूध और सब्जियां खरीद लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब दुविधा यह रही कि घर की चाबियां मैं अपनी प्यारी बहन को देकर चला गया था और वो उन्हें अपने साथ लेकर गाड़ी में चले गए थे, जिस वजह से काफी देर हमें बेघर सा महसूस करना पड़ा और हम जाकर उनके घर ही बैठ गए। अब प्रिय मोहित नैन जी ने एक सज्जन पुरुष की भांति हमें चाबियां थमा दी और साथ में ही दे गए चार पैरों वाले शैतान पूछी की जिम्मेदारी भी। अब शाम हो चली थी तो और हम थोड़ी देर सुस्ता भी लिए थे तो समय हो चलता है पूछी के साथ थोड़ी देर बाहर टहलने का। हुआ कुछ ऐसा कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर ज़्यादा देर मोटरसाइकिल की सवारी करने के कारण कमर की मांसपेशियों में खासी खिंचावट हमें महसूस हो रही थी और दर्द भी काफ़ी परेशान करने लगा था। ये तो हम जानते थे कि अब ये दो तीन दिन का समय लेने वाला है ठीक होने में। अब चलते चलते शाम हो चली थी और ज़्यादा पैदल चलना हमें स्वाभाविक नहीं लग रहा था क्योंकि वात दोष अगर बढ़ गया तो कमर का दर्द अत्यधिक बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। अब शरीर की व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियात्मक करने हेतु हम लेते हैं त्रिफला चूर्ण और साथ में 2 ग्राम काले नमक का एक मिश्रण ताकि जल्दी से शरीर में समता की स्थापना हम कर सकें। अब पूरा दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था तो विचार करते हैं थोड़ा दूध पीने का। अब अकेला दूध कैसे इतनी भूख को संतुष्ट कर पाएगा, इसी विचार के साथ हम उसमें थोड़े से मखाने भी डाल देते हैं, साथ में डाल देते हैं थोड़े से बादाम और थोड़ी सी खांड भी, और इसका सेवन हम रात के भोजन के तौर पर कर लेते हैं। अब पुच्ची के मालिकों का फ़ोन आया कि वो लोग आज नहीं आ रहे हैं तो इसके भोजन की व्यवस्था भी हमें ही करनी थी। अब घर में तो हमने कुछ खास ऐसा बनाया नहीं था तो जल्दी से इसके लिए भी बाहर से खाना लेने चले जाते हैं। दुविधा देखिए, कुत्तों के लिए भी बाहर से खाना लाना पड़ रहा है, तो जल्दी से इसके लिए भी कुछ रोटियाँ ले आते हैं, पुच्ची को भी भोजन करवा देते हैं और यहीं समाप्त करते हैं आज का दुविधाओं से भरा एक बहुत ही लंबा दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।